मेरे पास बील के 500 शेयर है 191 पे, उसको रखना है कि क्या करना है? मुझे ये बताइए, आपने जब लिया था तो किस नजरिए के हिसाब से लिया था और किस मंशा से लिया था? बहुत लंबा रुकना था आपको? मैडम लॉन्ग टर्म पे ली, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। फिलहाल तो आप मुनाफे में हैं तो, लेकिन और मुनाफा कमाना चाहते हैं कि कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक करने की स्थिति में हैं? नहीं नहीं मुनाफा कमाना चाहते, अभी काटेंगे नहीं मैडम, उसको रखना है। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है कि इनको रखना है। हालांकि निमेश इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 3 महीने तक का व्यू अगर आप इनको बताएं। फिलहाल ये मुनाफे पर बैठे, 191 की इनकी बाइंग प्राइस है बीएल में। वेरी गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, बी लोगों ने पिछले दिनों में एक स्ट्रांग मोमेंटम देखा है और अभी भी जिस तरह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और पर्टिकुलरली ऑर्डर बुक्स जिस तरह से एक्सपांड हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन डिफेंस स्पेस, मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली बोलिश है। मेक इन इंडिया की जो थीम है वो अभी भी काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो एक बेहतरीन कर सकती है। बट फिलहाल ऑलरेडी हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक साइडवे ट्रेंड रहने का चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव से व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि बीएल के अंदर आने वाले एक साल के अंदर ऊपर में 240-250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 240 कलेक्शन ध्यान में रखिए। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको बीएल पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। शुभम है गुरुग्राम से। शुभम गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पर है आपका सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा है पीवीआर आइनॉक्स, जो है 1868 रुपए में 5000 शेयर, और दूसरा है धनलक्ष्मी बैंक जो है 56 रुपए पे 2000 शेयर। पीवीआर आइनॉक्स आपके पास 5000 शेयर है? हाँ जी। ठीक है तो हम ये जरा हम करेक्ट कराएंगे। पीवीआर आइनॉक्स 1868 के भाव पे 5000 शेयर। दूसरा स्टॉक जरा बताइए। धनलक्ष्मी बैंक, वो किस लेवल पे लिया आपने? 56 के भाव पे लिया है। चलिए सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स पर आपको नजरिया देते हैं। निमेश आपके पास आएंगे। पीवीआर आइनॉक्स काफी ऊपरी स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में एक तरह का उतार चढ़ाव भरा माहौल है। पिछले 5 दिनों में हल्की तेजी नजर आई है, लेकिन पिछले 1 महीने 6 महीने में लगातार प्रेशर में रहा है ये स्टॉक का। तो जरा बताइए पीवीआर आइनॉक्स 1868 की बाइंग है, 5000 स्टॉक है इनके पास, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखे तो एक जब से मर्ज हुआ है एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन चुका है। सेकंड थिंग, फिल्म्स की पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। Q2 के जो नंबर्स आए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, बट वो मोमेंटम Q3 में हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मार्केट डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और उसी रीजन से स्टॉक के अंदर जो है वो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया है। मुझे लग रहा है कि नॉर्मली अगर हिस्टोरिकल देखें तो Q4 जो रहता है वो नॉर्मली वीक रहता है, और अगेन नेक्स्ट ईयर Q1 जो रहेगा वो बेटर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो कुछ भी नेगेटिविटी थी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है, तो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पीवीआर के अंदर 1350-1320 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो ऊपर में 1650-1700 तक का हो सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार 1650-1700 जब आए तब एक बार अगेन एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बट ऑल ओवर यहाँ से व्यू मेरा पीवीआर के अंदर बुलिश। तो पीवीआर पर नजरिया फिलहाल पॉजिटिव।